पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की जनसभा में मोदी को सुनने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से सभास्थल गूंज उठा। प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों से बातचीत की हमारी सहयोगी अंजलि ने। क्या कुछ कहे, क्या कुछ कहना था लोगों को, लोगों का सुनाते हैं हम आपको। यहाँ पे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग जो है मोदी मोदी का जो है नारा लगा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और वहाँ पे जो है जैसे इसके पीछे जो है मोदी जी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वो जो है लगातार जो है ममता गवर्नमेंट पे, ममता की सरकार पर एक के बाद एक जो है सवाल लगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता को, यहाँ की जनता को जो है जवाब चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर दीदी नहीं तो भतीजा ही सही, बट उन्हें जनता को यहाँ पे उनके 10 साल के कामों का जो है जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दीदी के बारे में इनका क्या मानना है, दीदी के बारे में इनका क्या सोचना है। तो दीदी ये जो व्हील चेयर में बैठ के चुनाव प्रचार कर रही है और यहाँ पे एक तरफ मोदी जी आए हुए हैं और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ओ दीदी धमा कर रही है, दीदी धमा कर रही है, तो वेस्ट बंगाल का मानुस चुन लिया थे दीदी, ये धमा कर रहा, नाटक कर रहा, ये नहीं चलेगा। हमको मोदी चाहिए, हमको मोदी चाहिए का नाटक है, टोटली दीदी का नाटक है, ये जमाना चलेगा नहीं। आदमी समझ गया है, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज दी आज दीदी नंदीगाम से आप लाख वोट हार बे, आप लाख वोट हार बे, हार बे। तृणमूल दूर हटाओ, तृणमूल दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ, हम से मोदी, मोदी के लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे। दीदी जो है वो नाटक कर रही है, तो यहाँ पे लोगों को से बात करके ये समझ में आ रहा है कि दीदी और टीएमसी को लेकर इनमें भारी आक्रोश है और नाराजगी है इनमें, और मोदी को लेकर ये बहुत ज्यादा सीरियस है। इनको कहना है कि ये भाजपा को वोट देंगे, इनका कहना है कि ये भाजपा की तरफ है, ये मोदी की तरफ है। तो सब मतलब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि 2 मई को जब रिजल्ट आती है तो क्या यही जनता जो अभी कह रही है कि मोदी के साथ है, ये क्या सच में मोदी के साथ है, या फिर ये जनसैलाब जो है वो टीएमसी का भी जब रैली निकलता है तो देखने के लिए मिलता है, यही जनसैलाब जो है भाजपा की भी जो रैली निकल रही है या फिर जनसभा होती है देखने के लिए मिलता है। तो भीड़ का कुछ कहा नहीं जा सकता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ का कोई डिसीजन नहीं होता है। तो 2 मई को ही ये साफ हो जाएगा कि ये जो यहाँ के लोग हैं, बंगाल के जो जनता है, वो किसे चाहती है। कैमरा पर्सन प्रीतम के साथ मैं अंजलि, लाइव 7 कोल।